अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। दिस इज पेज नंबर 54 ऑफ चिनार सेकंड। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ लेसन द स्नैपर। वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। The question number 11 is, how did the sniper trick the enemy sniper? Did his trick work? जो स्नाइपर था उसने एनिमी स्नाइपर के साथ जो चाल चली, क्या वो चाल कारगर हुई? ये उसकी चाल कामयाब रही या ना रही? लेसन में आपने पढ़ा होगा कि चाल क्या थी, डिड इट वर्क आर नॉट। फर्स्ट, इफ यू हैव स्टडीड और यू हैव गॉन थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द स्टोरी और द कंटेंट्स ऑफ द लेसन, द स्नैपर ही प्लेस्ड हिज कैप ओवर द मजल ऑफ हिज राइफल बिकॉज His one arm was not working. He has got the blood from the opposite rooftop where his enemy sniper was watching him. Then he pushed the rifle slowly upward over the parapet. मतलब पहले उसने टोपी को अपने राइफल पे, राइफल के टॉप मजल से उसने उसको लगा दिया, फिर उसने उसको थोड़ा अपवर्ड कर दिया इस पैरापिट के साथ ताकि वो अपोजिट वाले जो भी देख रहा हो उसको वो देखे। क्यों देखे? कि क्योंकि अंधेरा था, उससे लगे कि कोई इंसान वहाँ खड़ा है, कोई उसका दुश्मन वहाँ खड़ा है और वो चाहता था कि वो वहाँ से उसके उसका निशाना बनाए। ही विल अटैक हिम विद ब्लड और समथिंग एल्स एंड समथिंग हैपनड Immediately a bullet passed at the center of the cap. The enemy sniper fired and the bullet passed the center of the cap. The sniper slanted the rifle forward. उसने थोड़ा झुका दिया इस राइफल को आगे की तरफ। And why he did so? In order to give an impression that the person received a bullet, it is going to fall. Enemy sniper ने जो फायर, ताकि उसे लगे कि जो उसने फायर किया वो किसी को लगा और जिसको लगा वो अब गिरने जा रहा है। The cap clipped down into the middle of the strip, catching the rifle in the middle. The sniper dropped his left hand over the roof and left its hang lifelessly. What happened? The sniper slanted his rifle forward. First, the cap immediately after it caught a bullet, it clipped down into the middle of the street. Then the sniper catched the rifle in the middle and dropped his left hand over the roof lifelessly. यानी उसने ऐसा इम्प्रेशन दिया कि जैसे उसमें जान था, जैसे वो गिर रहा था बेहिसी की हालत में। And what did he after that? He let the rifle fall. He left the rifle to drop
dropped to the street. Then he himself hid himself behind the parapet. पहले उसने ये किया कि राइफल को गिरा दिया, फिर अपने आप को उसने क्या किया कि अपने आप को छुपा दिया पैरापेट के आगे, ताकि उसे ये लगा जो एनिमी स्नैपर था कि उसका ये लगा कि उसने उस अपने दुश्मन को मार डाला. एंड हिज ट्रिक वॉज सक्सेसफुल, ही सक्सीडेड इन हिज ट्रिक द वी कैन से. फिर से हम उसे दोहरा देंगे कि जो स्नैपर था, जब उसका हाथ जख्मी लगा कि उसको जब उसने उसे गोली लगी उसके बाजू में, तो उसने कहा कि अब बचने की सूरत नहीं है, अब कोई चाल ही चलनी है. तो उसने एक चाल चली जो एनिमी स्नैपर था उसके लिए. पहले उसने अपनी कैप को मज़ल के साथ लगा दिया अपने राइफल के, फिर इसको ऊपर कर दिया. एनिमी स्नैपर ने धोखा खाया कि कोई उसका एनिमी है. उसने गोली चलाई, गोली टोपी के बीच में से चली गई. पहली टोपी तो को उसने गिरने दे दिया सड़क पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता राइफल को गिरा दिया और अपने बाजू को भी लटका दिया पैरापेट के ऊपर से. ऐसा लगा इस स्नैपर को, एनिमी स्नैपर को, कि उसने अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया, कि इस वजह से जो उसकी ये चाल थी वो कामयाब रही. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द स्नैपर फील जस्ट बिफोर इन आफ्टर किलिंग हिज अपोनेंट. ही किल्ड हिज अपोनेंट. द स्नैपर किल्ड द एनिमी स्नैपर और हिज अपोनेंट और हिज राइवल. Now we have to discuss his feelings before killing his opponent and after killing his opponent. उसके एहसासात उसको मारने से पहले क्या थे और मारने के बाद क्या थे. We know that the sniper was from the Republican. He smiled before shooting the other sniper dead. He smiled because he was happy that he is going to achieve his target very soon. His target was to kill his enemy sniper. And after his death, he developed an eagerness and lust, eagerness to see his dead enemy. Because the lust of battle died in him. The lust of battle has died in him. The eagerness to fight has died in him. जो उसकी चाहत थी, जो उसकी ख्वाहिश थी, जो उसकी फीलिंग्स थी लड़ाई की, मारने की लोगों को, वो इसमें अब कम हो चुकी थी. बिकॉज व्हेन ही हैड सीन हिज अपोनेंट डाइंग एंड फॉलिंग ऑन द स्ट्रीट विद अ थड, ही वॉज बाइटन बाय रिमोर्स. He was much repentant. The sweat had stood out in drops on his forehead. Uska matha us waqt paseene paseene ho chuka tha. He revolted from the sight of his dead enemy. Aur usne jo sight thi, jo nazara wahan pesh kar diya tha, jaise uski zameen ne uske saath, us nazare ke saath bagawat kar di thi. और उस वक्त क्या हुआ था, ही बिगैन टू टॉक हिमसेल्फ, ही वॉज कर्सिंग द वार, ही वॉज कर्सिंग द बैटल, ही वॉज कर्सिंग द ऑर्म्स, एवरीथिंग ही कर्स्ड, ही वॉज कर्सिंग हिमसेल्फ. हर एक चीज को वो क्या कर रहा था कि बुरा भला कह रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को नहीं मरना चाहिए, नहीं
ये जंग फजूल है, बस इसे तबाही तबाही होती है, ये इसके एहसास। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द स्नैपर वॉज किल्ड, ये स्नैपर कौन था जिसको उसने मार दिया था। स्टोरी में हमें बिल्कुल आखिर में ये पता चलता है कि स्नैपर और कोई नहीं था बल्कि रिपब्लिकन स्नैपर ने जिस राइवल को, जिस स्नैपर को मार डाला था वो उसका अपना ही भाई था। क्वेश्चन नंबर 14 है, इट इज सैड दैट देयर ऑल फाइव मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, पर्सन वर्सेस पर्सन, पर्सन वर्सेस वन सेल्फ, पर्सन वर्सेस नेचर, पर्सन वर्सेस सोसाइटी, पर्सन वर्सेस फेट। What is the conflict found in Snapper? Is there more than one? इसमें कौन सी conflict थी? क्या उसमें, यानी पहले conflict हुआ करता था इंसान और इंसान के दरमियान, इंसान को अपने आप से conflict होता था, होता है, person को nature के साथ conflict होता है, person को society के साथ, person को अपनी तकदीर के साथ। जो कॉन्फ्लिक्ट स्नैपर का था इट वाज पर्सन वर्सेस पर्सन, क्योंकि वो लड़ाई जो थी उसे एनिमी स्नैपर से थी। बिकॉज ही वाज रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिकन्स एंड ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द सोल्जर्स हु आर फ्रॉम फ्री स्टेटर्स, हु आर ऑफ फ्री स्टेटर्स, फ्री स्टेटर्स सोल्जर्स were fighting against the Republicans and vice versa. Later on the Snapper, he cursed himself after killing his enemy. It could be rightly called a conflict of a person against oneself. Yani jab usne maybe khud hi kaam kar diya, us अपने ही काम से खुद नाराज हो गया तो इसको बोलेंगे पर्सन अगेंस्ट वन सेल्फ। अदरवाइज वो पहले जो वो मारना चाहता था वो पर्सन अगेंस्ट पर्सन था, पर्सन वर्सेस पर्सन था। नाउ लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, व्हाट मेजर आइडिया इज द राइटर ट्राइंग टू गेट अक्रॉस द रीडर्स इन द स्टोरी द स्नैपर, हाउ फार ही हाउ फार हैज ही अचीव्ड दिस। राइटर का असली मतलब था कि जो वॉर है, जंग है, ये बड़ी दहशतनाक खतरनाक चीज़ है, इससे सिर्फ कत्ल गारत होती है। जंग जो है ये भाई को भाई के साथ लड़ा देती है, जैसा कि इस स्टोरी में हो गया कि स्नैपर ने अपने भाई को मार डाला, बाद में दूसरी बात है कि उसे पछतावा का सामना करना पड़ा। जो हम रीडर्स हैं हमें स्नैपर के साथ भी सिंपैथी का एहसास हुआ कि उसने अपनी ही भाई का शिकार कर दिया। तो मतलब ये है कि जो जंग है तो वॉर डज नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम बट इनफैक्ट इट एड्स टू द मिजरीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग द अर्थ। It brings about the death and destruction. ये इस तरह से हमने ये लेसन भी, इसका भी तमाम क्वेश्चन तकरीबन हमने डिस्कस कर दिए। उम्मीद है कि आपको इनसे फ़ायदा मिला होगा। This is enough for today. Thank you very much.